क्या हुआ फिर जो मेडिकल में आप आए हो डॉक्टर साहब? मैं ड्यूटी से ऑफ होके चाबी जमा करने जा रहा था। वो चौकीदार ही पत्थर है और दारू पिया था, बोले तेरे को मारूंगा, तुम लोग बहुत ज़्यादा बनते हो। मैंने कहा कुछ नहीं किया, मैंने चाबी उसको लिफ्ट वाले को दिया और सीधे और मेरे को आया, कुर्सी 2 बार पटक दिया मेरे ऊपर, खून 2 बार टाँका लगा, पीठ में लगा, मेरे पैर में लगा। कौन है? कहाँ सत्येंद्र दुबे का है? कहाँ वही हमारे घर के सामने रहता, पे मारा? जी सरगंज मेडिकल पाटा जी, सुपरडेंट ऑफिस के सामने। हाँ मेडिकल, आपका नाम? तो देवी प्रसाद में। ये क्या घटना हुई थी, क्या पूरा मामला है? भैया हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे पूरे पहले पंडित लोग रहते थे, तो उस जगह धीरे धीरे जितने रिटायरमेंट जो पंडित सब जाते गए, तब ये सिर्फ एक गिने के 2 बचे हैं। तो हम लोग एससी में आते हैंगे, धारिया में आते हैं, तो ये हम लोग को लगा है कि घर खाली करो, और वो भी मेडिकल में जॉब करता रहेगा, तो वो लगे हैं कि घर खाली करो। दोनों माँ बेटे लगे घर खाली करने के, हम लोग घर खाली करने मना करें तो रोज गाली गलौज करते हैं। आज पापा ड्यूटी से घर जा रहे थे तो पापा के ऑफिस के बाहर ही उन्होंने मारपीट करी, और पापा के सर में उन्हें तो कुर्सी उर्सी से हमला कर दिया हैगा, कुर्सी 2 बार और पटक बोल रहा है कि दिया। अगर खाली करके नहीं जाओगे 7 दिन के अंदर तो हम जान से मार देंगे सबको। ये पूरी घटना कहाँ की है? ये कहाँ मेडिकल कॉलेज है, पापा मेडिकल में एम्प्लॉयर हैं, टेलीफोन एक्सचेंज की, टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर की ये घटना है पूरी। अस्पताल कैंपस के अंदर? जी मेडिकल कैंपस के अंदर वो, सुपरिटेंडेंट ऑफिस और तो और वो डॉक्टर जो मेडिकल जो डॉक्टर्स आ रहे हैं ना, पीजीजी यूजीजी, इन सबको मारने की धमकी दी है कि इन सबको मैं देख लूंगा, सबको मार डालूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे को। कौन है ये बंदे वाले? ये यहीं का एक एम्प्लॉयर है, दारूखोरी है, लोगों को लूटता रहता है अगर, और ये सब पेशेंट को लामा लामा करते, ये सब करते रहता है ये सब क्या दिन। नाम है? उसका नाम सत्येंद्र द्विवेदी है, सत्येंद्र दुबे या द्विवेदी करके, उप चिंटू बोलते हैं उसको। सर सर आपका नाम सत्येंद्र, मेरा बताइए। नाम राहुल महोबिया है, मेरे पिता का नाम देवी प्रसाद महोबिया, यही हम यही एम्प्लॉयर है मेडिकल के।